हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन में आज आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं राग देश, उसका छोटा ख्याल। छोटा ख्याल मींस उसकी बंदिश, बंदिश मींस उसका एक सॉन्ग। सॉन्ग है देखो सखी बरसन को आए बदरा, ऐसा कुछ सॉन्ग है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, सूदिंग है, आप इसे जल्दी सीखेंगे। तो मैंने मेरे पास में लिखा हुआ है नोटेशंस। तो ये नोटेशन मेरे खास उन लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाया हुआ है, मेरे वो जो फॉरेन के फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैंने बनाया हुआ है। इसे हमने लिखा है सी मेजर स्केल में, और इसे हम सीखेंगे सी मेजर स्केल की फ्लूट पे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हमको इसे सीखने में आसानी हो। ठीक है, तो दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया है, तो आइए अब हम सीखेंगे इसे अपने फ्लूट पर। तो हमेशा की तरह मेरे पास में जो फ्लूट है वो सी मेजर स्केल की फ्लूट है। तो दोस्तों, इसे सीखने के पहले हम लोग एक मिनट सुन लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। इसे सुनिए आप, देखिए। प प नी सा रे सा नी ध प म ग रे म प नी नी सा, ऐसे कुछ स्वर है इसके। आपको सीखने में जस्ट 5-10-15 मिनट लगेंगे, आप उसे सीख सकते हैं। आइए, यहां पर मैंने ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस पर मैंने सिर्फ नोटेशंस लिखे हैं। आपको यदि सॉन्ग सीखना हो तो आप सॉन्ग को नोट कर सकते हैं मेरे नोटबुक से। अब यहां से हम शुरू करेंगे पहली लाइन, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। पानी सारे, यहां देखिए पानी सारे सा नी, ये नी आपको पता है नी कोमल होता है, ये नी है कोमल। यहाँ पर मगर रेमा प, तो ये मगर हम जल्दी से बोलेंगे 1 2 3 4 मगर रेमा प नी नी सा। सा के बाद डैश लगाया, तो सा को हम लोग एक बीट आगे तक स्ट्रेच करेंगे। उसी ढंग से यहाँ पर रे हे मा मा प प प म प नी ध प म ध म प, इस ढंग से यहाँ पर भी इसे स्ट्रेच करेंगे। तो शुरू करते हैं पहली लाइन, देखिए ध्यान दीजिए मेरे फिंगर थोड़ा, पानी सारे सामी था पर। इसमें नी कोमल है, देखिए नी कोमल मीन्स, इस ढंग से, ठीक है। देखो सखी बरसन को आए बदरा, पहली लाइन हो गई। अभी दूसरी लाइन है झूम झूम बर सत मोरे अंगना, ऐसा है तो वो बजेगा रे मामा, मतलब रे को हम लोग स्ट्रेच करेंगे एक बीट तक आगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं,
ऐसे, या फिर हम लोग ऐसे करेंगे। बाकी काफी आसान है, आप उसे बजा लेंगे। तो दोस्तों आपको जो फर्स्ट लाइन बजानी है वो दो बार बजानी है, उसके बाद में सेकेंड लाइन एक बार बजानी है, उसके बाद में फिर से फर्स्ट लाइन एक बार बजानी है। तो इस ढंग से इन दो लाइनों को हम टोटल चार में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद आता है अंतरा। अंतरा भी आसान है, यहाँ पर मुझे कुछ लग नहीं रहा कि कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज है। दोस्तों काफी दिनों से हम सीख रहे हैं तो अब तक आप होशियार हो चुके हो, अभी आप आराम से इसे बजा सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। अंतरे की पहली लाइन, मा 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 पा पा नी नी सा, फिर से देखिए। फिर सेकंड लाइन है, नी 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 सा 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 पा नी सा रे नी ध प। तो उसका ऐसा होगा, अब नी 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 तीन बार लिखा है, उसके बाद में एस लिखा है, इसको स्ट्रेच करना है। मतलब हमारे यहाँ 1 2 3 4 तक यही चलेगा, नी नी नी, ठीक है। तो उसको सुनते हैं फिर से। यहाँ पर प के साथ में भी ऐसे ही है, एक अवग्र लगा हुआ है, तो इसे हम एक नोट आगे स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद में लास्ट लाइन है, रे 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 मामा मपा नी धा पा। तो कैसे बनेगा, अब मपा नी धा पा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मपा नी धा पा, मपा नी धा पा, कैसे बनेगा वो। काफी आसान नोट है, सिर्फ एक ही कोमल स्वर है नी, जिसे हमको इसमें सीखना है। अभी तक हम सारे गामा पा धा नी सा शुद्ध स्वर तो सीख चुके हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, अभी हमने एक एडिशन किया है, वो है कोमल नी। तो इस राग के थ्रू आप लोग कोमल नी आसानी से आप सीख जाएंगे, तो आपका थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा और आपकी स्वीटनेस थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों इस ढंग से इसे आप प्रैक्टिस कीजिए और तैयार कीजिए देश राग का छोटा ख्याल देखो सके। थैंक यू।